दोस्तों अब वो दूर नहीं जिस दिन शाहरुख खान की मोस्ट वेंटेड फिल्म डंकी जो लोगों के बीच बहुत ही जल्द नजर आने वाला है। लेकिन उससे पहले लोगों के बीच बहुत ही जल्द राजकुमार ईरानी अपने फैंस को ट्रेलर दिखाना चाहते हैं और ट्रेलर का अनाउंसमेंट भी हो चुका है और अब फिर से बॉलीवुड में बवाल मचने वाला है। उसी को देखते हुए डंकी के डायरेक्टर राजकुमार ईरानी बोलते हैं कि हम जो फिल्म डंकी को बना रहे हैं वो इस साल यानी 2023 की सबसे बड़ी मूवी में से एक होने वाली है। और उन्होंने कहा कि फिल्म डंकी का ट्रेलर सलमान खान की फिल्म टाइगर थ्री जिस दिन रिलीज होगी उसी दिन डंकी का ट्रेलर भी रिलीज हो जाएगा। फैंस के ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और तो डंकी का क्रेज जिस तरह से फैंस का भी दिख रहा है शायद ही उसके सामने कोई मूवी टिक सकती है। और जिस तरह से किंग खान शाहरुख खान ने एक बार फिर बॉलीवुड को पठान और जवान के कारण डूबने से बचा लिया और बॉलीवुड में अपना अलग ही क्रेज बना लिया है। वैसे ये पहले से ही था लेकिन जवान और पठान के साथ कुछ अलग ही लेवल का क्रेज बना लिया है शाहरुख खान और अब डंकी के साथ वही क्रेज फिर से बॉलीवुड में वापस आने वाला है। वैसे दोस्तों फिल्म डंकी का ट्रेलर अब कन्फर्म हो गया है और बस इंतजार था फिल्म रिलीज होने का। वैसे आप डंकी का वेट कर रहे हैं या फिर नहीं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।